वेलकम टू ऑल इग्नो स्टूडेंट्स टू माई यूट्यूब चैनल जसरो इन्फॉर्मेटिक्स नाउ आई विल प्रोसीड विद ए न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक दैट इज द चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर दिस टॉपिकीन ऑप्टेंड फ्राम कोर्स ई एस ओ सिक्सटीन ऑफ ब्लॉक टू एंड यूनिट सेवन लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर आज हमारा जो यूनिट है हमारा जो टॉपिक है आज इसके ऊपर हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे सब टॉपिक्स इसमें लेंगे जैसे चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हम फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद फैमिली क्या होती हैं इसकी डेफिनेशनस पे बात करेंगे फिर फैमिलीज़ में कौन कौन सी टाइप्स हैं टाइप्स के अलावा कौन से सोशल प्रोसेस हैं जिससे हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है और इसके अलावा डिफरेंट जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से बदल रहे हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें क्या चेंजेज़ आ रही हैं इसके अलावा जो हमारी रूरल फैमिली सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस हैं इसके अलावा जो अर्बन फैमिली सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस हैं तो ये सारा यूनिट जो है इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड है तो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पहले हम इसको इंट्रोडक्शन में लेंगे कि फैमिली क्या होती है द फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप इन ए सोसाइटी फैमिली जो है एक समाज का सबसे पहला प्राइमरी ग्रुप है एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द सोसाइटी और ये हमारे सोसाइटी का सबसे सिंपल और सबसे बेसिक पार्ट है एंड द फैमिली इज द फर्स्ट ग्रुप इन विच वी फाइंड अवर सेल्फ तो फैमिली पहला ग्रुप है जिसमें हम अपने आप को शामिल करते हैं एंड इट प्रोवाइड्स ऑल द मोस्ट इंड्यूरिंग रिलेशनशिप इन वन फ्राम अदर तो इसमें हम सभी का एक एंड्यूरिंग रिलेशनशिप होता है एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप होता है एंड एवरी वन ऑफ अस ग्रो इन ए फैमिली हम सभी लोग जो हैं फैमिली से ही निकलते हैं एंड एवरी वन ऑफ़ अस टू विल और ए मेम्बर ऑफ वन फैमिली और अदर हर व्यक्ति किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करता है तो इस तरह से जो फैमिली है ये हमारा एक बेसिक जो है यूनिट है सोसाइटी का अब आती है कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है किस तरह से हम फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं तो जो फैमिली द वर्ड फैमिली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेटिन वर्ड फैमलस फैमिली वो वर्ड है ये फैमलस वर्ड से बना है तो उस समय लेटिन भाषा में जो फैमलस वर्ड का मतलब था वो था सर्वेंट तो ओरिजिनली फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैन वुमेन विद ए चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स तो ओरिजिनली जो फैमिली है उसको हम मानते हैं कि इसमें एक मैन वुमेन उनके बच्चे और सर्वेंट्स ये सारे लोग मिलके हम काम करते हैं या वर्क करते हैं या उसमें इंटरेक्शन करते हैं तो ओरिजिनली हम फैमिली को कहते हैं जिसमें हमारे मैन वूमेन चिल्ड्रन और सर्वेंट्स रहते हैं इसके अलावा जब फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पर्सन यूनिफाइड बाय टाइज ऑफ मैरिज फैमिली में क्या है मैरिज टाइज के साथ हमारे रिलेशन बनते हैं ब्लड रिलेशनस होते हैं अडोपशन होती हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंगल हाउस होल्ड इंटरैक्टिंग एंड इंटरकम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ये सारे लोग जो मैरिज टाइज से बनते हैं या ब्लड रिलेशन से बनते हैं या अडोपशन से जो लोग हमारे फैमिली में जुड़ते हैं इन सभी के साथ हमारा एक इंटरक्टिंग और कम्युनिकेटिंग जो है वो रिलेशन होता है एंड इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल रोल्स ऑफ हजबैंड एंड वाइफ फादर एंड मदर सन एंड डॉटर ब्रदर एंड सिस्टर क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर तो जितने भी जो हमारे फैमिली में रिलेशन होते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ हैं फादर मदर हैं सन डाटर है ब्रदर सिस्टर हैं ये सब एक कॉमन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं हैव स्पोकन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ फैमिली कि फैमिली की बड़े डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स होती हैं दे हैव टेकन इंटू कंसिडरेशन डिफरेंट फैक्टर्स एज द बेसिस ऑफ द क्लासीफिकेशन ऑफ द फैमिलीज तो फैमिली को हमने बड़े डिफरेंट बेसिस पे जो है क्लासीफाई कर रखा है कुछ क्लासिफिकेशन जैसे हम बताते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज फैमिली हैज़ बीन क्लासीफाइड इन टू थ्री मेजर टाइप्स अगर मैरिज के हिसाब से देखा जाए तो हम फैमिलीज को तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं पहले आती है पॉलीगैमस पॉलीगैमस या पॉलीगैनस ये फैमिलीज वो होती हैं जिसमें मोर देन वन जो है वाइफ होती है कि एक व्यक्ति एक पुरुष जो है अधिक महिलाओं के साथ जब मैरिज करता है तो उसको हम पॉलीगैमिस फैमिली कहते हैं तो ये इस तरह का जो सिस्टम है वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है या मुस्लिम फैमिलीज़ जो हैं उसमें इस तरह का जो है फैमिली टाइप्स होती हैं इसके अलावा पॉलेगैंड्रस पॉलीगैंड्रस आते हैं जिसमें एक वा, एक वाइफ जो है वो बहुत सारे हस्बैंड मोर देन वन हस्बैंड जो है वो रखती है तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है वेस्टर्न में इस तरह का होता है कि वहाँ पे एक जो फीमेल है वो उन उसके बहुत सारे हस्बैंड रहते हैं तो इस तरह इसको पॉलेगैंड्रेस फैमिली बोलते हैं इसके अलावा आता है मोनोगेमिस फैमिली तीसरी जो टाइप है वो है मोनोग फैमिली मोनोग फैमिली में आता है वन पार्टनर यानी कि एक हस्बैंड है एक वाइफ है जैसे हमारे इंडियन सिस्टम है तो इंडिया में वन फैमिली सिस्टम है कि वन पार्टनर होगा एक हस्बैंड और एक वाइफ तो ये तीन टाइप है हमारी जो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज होती हैं तो एक पॉलीगैमस एक पॉलीगैंड्रस और एक मोनोगैमस तो ये सबसे पहली टाइप आ गई दूसरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडेंस फैमिली कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री मेन फॉर्म्स तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस कि वो कहाँ पे रहते हैं उस आधार पे फैमिलीज़ को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है ऐसे आता है फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेजिडेंस दूसरा आता है फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेजिडेंस एक होता है फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेजिडेंस का मतलब होता है जब पूरी फैमिली जो है वाइफ के साथ रहती है जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ वाइफ हस्बैंड जो है वाइफ के घर में आके रहते हैं तो इस तरह से कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं मतलब मोस्टली बड़े कम एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की फैमिलीज़ होती हैं दूसरा था फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेजिडेंस पैट्री लोकल रेजिडेंस का मतलब होता है जब जो, जो फीमेल पार्टनर है वो अपने मेल पार्टनर के साथ रहता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें फ़ीमेल के घर में जो है मेल पार्टनर रहता है यहाँ पर जो मेल पार्टनर के घर में फ़ीमेल पार्टनर रहता है तो इस तरह से ये दो टाइप ता, की सोसाइट फैमिलीज़ हैं जहाँ पर रेजिडेंस के बेसिस पे होता है और तीसरा आता है फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस जब वो फैमिली जो है अलग रहती हैं डिफरेंट फॉर्म में रहती हैं हस्बैंड अलग रहते हैं या वाइफ अलग रहती हैं तो वो इकट्ठे नहीं रहते या अलग रेजिडेंस में रहते हैं तो इस तरह से जो है ये हमारी एक दूसरी टाइप आ गई इसके अलावा थर्ड जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एनेस्ट्री एंड डिसेंट फैमिली कैन क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स तो एनेस्ट्री और डिसेंट फैमिली टाइप में दो तरह के आते हैं एक आते हैं मैट्रिलियल और एक आती हैं पैट्रिलिनियल जो मेट्रिलीनियल फैमिली है इसको हम मातृवंशी कहते हैं यानी कि जिनका जितना भी फैमिली सिस्टम है वो मदर के नाम पे चलता है जिसमें मतलब जो आगे जो जनरेशन आएंगी वो मदर के नाम से जो है आगे चलेंगी इसी तरह से पैट्रिलिनियर होती है जो ग्रैंड पेरेंट्स जैसे जो फादर के वंशज हैं उनके आधार पे जो है उनकी फैमिलीज़ के नामनिकलेचर चलेंगे या उनकी पीढ़ी जो है आगे चलेगी तो इस तरह से मैट्रिलिनियल आ गया जो मातृवंशी होंगे यानी कि मदर की जो मदर के नाम पे जिनका नॉमनिक्लेचर चलेगा और पैट्रिलिनियल होते हैं जिनके फादर के नाम पे तो इस तरह की भी सोसाइटीज़ होती हैं इंडिया में जैसे मोस्टली पैट्री नियल फैमिली सिस्टम होता है तो ऐसे कई एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पर मैट्रीलिनियल फैमिली सिस्टम भी होता है इसके अलावा जो अगली चौथी टाइप आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ़ नेचर ऑफ अथॉरिटी फैमिली कैन बी क्लासीफाइड इन टू टाइप्स तो नेचर ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे अथॉरिटी का मतलब होता है पावर किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी उस तरह की जो फैमिली जो है दो तरह की डिवाइड होती हैं जैसे मैट्रियाकल फैमिली जो है मैट्रियाकल फैमिली कौन सी होगी जिसमें जिसको मात्र सत्तात्मक कहते हैं मात्र सत्तात्मक जो फैमिलीज हैं वो कौन सी होंगी जिसमें फीमेल के पास सारी फैमिली की पावर रहेगी यानी कि फीमेल उसकी मेन अथॉरिटी रहेगी और पैट्रियाकल फैमिली कौन सी होती है जिसमें जो कुलपति है यानी कि जो हस्बैंड है उसके पास पूरी फैमिली की पावर रहेगी या पूरी फैमिली की अथॉरिटी रहेगी तो इस बेसिस पे भी एक फैमिली की डिवीज़न होती है इसके अलावा जो फिफ्थ पार्ट है फिफ्थ आ गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड स्ट्रक्चर एंड द डेप्थ ऑफ जनरेशन फैमिली कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स टू मेन टाइप्स अब साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो सबसे मेन फॉर्म है हमारी जैसे इंडियन सोसाइटी में ये होती हैं कि न्यूक्लर और सिंगल यूनिट फैमिली न्यूक्लर और सिंगल यूनिट फैमिली और जॉइंट एंड अनडिवाइडेड फैमिली ये दो तरह की सोसाइटी होती हैं दो तरह की फैमिलीज होती हैं जहाँ पे जैसे जिसको एकल परिवार कहते हैं और दूसरा आता है जॉइंट फैमिली जिसको हम अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं तो इस बेसिस पे भी जो फैमिली को डिवाइज किया है इसके अलावा जो सिक्स पार्ट है सिक्स टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप एमोंग द फैमिली मेम्बर्स एंड द फैमिली कैन बी क्लासीफाइड इन टू मेन टाइप्स अगर फैमिली मेम्बर्स के किस तरह के रिलेशन है उस बेसिस पे भी फैमिली को दो टाइप्स में डिवाइड किया है एक आती हैं जैसे कॉन्जुगल फैमिली कॉन्जुगल फैमिली जो होती हैं विच कंसिस्ट ऑफ अडल्ट्बर एमॉन्ग होम देयर एग्जिस्ट सेक्स रिलेशनशिप जिनमें सेक्स रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ है या मदर फादर है तो जिनकी मैरिज के अकॉर्डिंग जो है उनकी रिलेशंस बनते हैं और फैमिलीज बनते हैं तो इनको हम कॉन्जुगल फैमिली कहते हैं इसके अलावा आती हैं कॉन्सीजुइन फैमिली कॉन्सीजुइन फैमिली कौन सी होती है विच कंसिस्ट ऑफ मेम्बर्स एमोंग होम देअर एग्जिस्ट वट इज़ ए नोन एज ए ब्लड रिलेशनशिप जिसको हम ब्लड रिलेशनशिप के हिसाब से बैठते हैं जैसे ब्रदर और सिस्टर हैं फादर और सन हैं या मदर और डाटर हैं तो ये सारे ब्लड रिलेशन से जो फैमिली बनती हैं तो इनको हम कौन कौन से जूनियन फैमिली कहते हैं तो इस तरह से हमने सिक्स डिविजन्स बताई सिक्स सेवन डिविजन्स बताई कि इस तरह से इतने तरह की फैमिलीज जो हैं वो सोसाइटी में होती हैं अब जो मेन क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर या पूरा यूनिट बेस्ड है वो है कि ऐसे कौन से सोशल प्रोसेस हैं जो जिससे फैमिली जो है स्ट्रक्चर वो चेंज हो रहे हैं या अफेक्ट हो रहे हैं कि जो फैमिली चेंजेस स्ट्रक्चर जो है कैसे हो रहे हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से सोशल प्रोसेस हैं अब उसके ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकीकरण यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ एंड कॉन्सिकुनट बर्थ ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन अफेक्टेड द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द फैमिलीज तो जो फैमिलीज़ के इकोनॉमिक फंक्शंस थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान या फैक्ट्री सिस्टम के दौरान जो है वो बदल गए फैमिली जो है ट्रांसफर इट्स इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ फैक्ट्री एंड बिकेम मोर कंजम्पशन यूनिट दैन द प्रोडक्टिव सेंटर पहले जो फैमिली होती थी पहले फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पे वो प्रोडक्टिव सेंटर होते थे यानी कि वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते थे लेकिन आज इंडस्ट्राइजन के बाद जो है कंजम्पशन यूनिट बन गए जो फैमिलीज हैं तो इस तरह से एक फैमिली का सोशल प्रोसेस चेंज हुआ दूसरा था अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं शहरीकरण तो इंडस्ट्रलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ये दोनों ऑफ़न गो टुगेदर ये इकट्ठे ही फैक्टर्स हैं तो सिटीज़ आर ग्रोइंग इन साइज एंड इन नंबर्स फैमिली इज़ कट टू साइज सिटीज़ जो हैं बढ़ते गए इन नंबर भी और साइज़ भी परंतु उसके विपरीत जो है जो फैमिलीज हैं वो कट इन साइज़ वो छोटी होती गई फैमिलीज डेयर नाउ स्मॉलेस्ट एंड होम टाइज और वीकेस्ट फैमिलीज छोटी होती गई जो होम टाइज थे जो हमारे फैमिली में एक दूसरे से रिलेशन थे वो धीरे धीरे वीक होते गए कम होते गए एंड ट्रेंड टू वर्ड्स डी ऑर्गेनाइजेशन आर सेट इन द मोशन तो अब जो सोसाइटी है वो डी ऑर्गेनाइज हो गई छोटी छोटी फैमिलीज बन गई तो इस तरह से ये दूसरा पॉइंट था तीसरा कौन सा फैक्टर था जिसके कारण जो है हमारा सोशल प्रोसेस के द्वारा हमारा फैमिली uh, स्ट्रक्चर बदला वो था डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो वुमेन है ना प्ले नॉट ओनली ए डोमेस्टिक रोल्स बट आल्सो ए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल्स अब औरतें सिर्फ अपना डोमेस्टिक रोल ही प्ले नहीं करती घरों में ही काम नहीं करती बल्कि अपना एक इकोनॉमिक यानी कि अपना एक आर्थिक और राजनीतिक रोल भी प्ले करती हैं दे हैव नाउ बिकम प्रॉपर्टी ओनर्स एंड बिजनेस मैनेजर आज वो प्रॉपर्टी ओनर्स भी बन चुकी हैं और बिजनेस मैनेजर्स भी हैं तो दे हैव वोटिंग पावर विद इट दे हैव एंटर पॉलिटिक्स अब उनके पास वोटिंग पावर भी है जिसके कारण वो अब पॉलिटिक्स में भी अपना रोल uh, प्ले करती हैं एंड द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी विटनेस फोर वुमेन प्राइम मिनिस्टर जैसे वर्ल्ड ने देखा कि कितने वुमेन प्राइम मिनिस्टर हमारे दुनिया में रहे हैं इसी तरह से जो चौथा फैक्टर है वो है डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड स्प्रेड ऑफ सेकुलर एटीट्यूड कि जो हमारा रिलीजियस बिलीफ थी जो धार्मिक मान्यताएं थी इसके अलावा जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा एटीट्यूड बना उसके कारण भी जो है हमारा समाज का जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ मोरालिटी एंड रिलीजन आर स्लोली लूजिंग ग्राउंड्स तो धीरे धीरे हमारे जो मॉरल्स थे जो हमारे रिलीजन थे वो धीरे धीरे अपना ग्राउंड लूज करते जा रहे हैं एंड फैमिली मेम्बर्स हैव बिकम मोर सेकुलर इन आउटलुक आज जितनी भी फैमिलीज है, हैं वो सेकुलर हो गई हैं मतलब वो अपने धर्म को अपने रिलीजन को छोड़ दिया उन्होंने एंड द रिलीजियस फंक्शंस ऑफ द फैमिली आर डिमिनिश और जो हमारे रिलीजियस फंक्शंस होते थे वो सारे के सारे जो हैं धीरे धीरे ख़त्म होते गए एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स बिलीफ एटीट्यूड हैव सम टू डिसोसिएटेड विद द फैमिली जिससे क्या हुआ जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो डिससोसिएट होगी यानी कि एक दूसरे से अलग होने शुरू होगी तो हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे जब हमारे उनके अंदर बिलीफ जो है हमारे कम रह गए तो उसके कारण भी हमारी फैमिली जो है वो चेंज होती गई इसके अलावा आता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन कि जब वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई द वुमेन हैज़ बिकम नाओ अर्निंग मेंबर एंड शी नाउ वर्क इन ऑफिस अब जो वुमेन हैं वो अर्निंग मेंबर्स बन गई अब जो वो वर्क करने लगी हाउस ऑफिस में फैक्ट्रीज़ में बैंक्स में स्कूल में कॉलेज में हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसिस में एंड मिनिस्ट्रीज़ में तो इन जगहों पर जब औरतों का अपना रोल शुरू हो गया तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है हैज इंक्रीज हर स्टेटस उससे क्या हुआ जो वुमेन स्टेटस है वो बढ़ गया बट अफेक्टेड द हर एटीट्यूड लेकिन उससे क्या हुआ कुछ हद तक जो है फ़ीमेल के अंदर उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया जिससे क्या हुआ दो तो एज्ड ओल्ड डॉक्ट्रिन जैसे एक पुरानी मान्यता थी कि मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द किचन इज़ एक्सप्लोडेड कि आदमी ज़मीन पे खेत पे काम करेगा औरतें घरों के में किचन में काम करेंगी या रसोई में काम करेंगी तो वो एक ओल्ड डॉक्ट्रीन थी एक ओल्ड हमारी फलॉसफ़ी थी जो धीरे धीरे बदल गई तो इस तरह से जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ दूसरा था पेरेंट यूथ कन्फ्लिक्ट जिसको हम जनरेशन गैप भी कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट इन द फैमिली आर इंक्रीजिंग जो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट थे यानी कि बुजुर्गों में और बच्चों में जो कन्फ्लिक्ट थे वो बढ़ गए इससे तो अनयूजुअल अमाउंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर एडोल्ट चिल्ड्रन इज़ टेकिंग प्लेस एंड दिस ऑफन डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ जनरेशन गैप तो बच्चों में और बुज़ुर्गों में जब धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट बढ़ गए तो उनके बीच में जो रिलेशन्स भी ख़त्म होने लगे और इन्हीं रिलेशन्स को ख़त्म होते होते जो है जो हमारा जो स्ट्रक्चर है सोशल फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज होना शुरू हो गया तो ये हमने बताया कि कौन कौन से सोशल प्रोसेस थे जिसके द्वारा हमारी फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो बदले इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो हमारी फैमिली सिस्टम है अब फैमिली सिस्टम में आ गया जॉइंट फैमिली सिस्टम इसके अलावा आ गया रूरल फैमिली सिस्टम और इसके अलावा आ गया अर्बन फैमिली सिस्टम अब इनमें कैसे चेंजेस आई सबसे पहले आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या चेंजेस आई इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूसड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा गया है और जिससे क्या हुआ अफेक्टेड द जॉइंट फैमिली इन सेवरल वेज तो बड़े तरीके से जो है हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम थी वो बदल गई एंड इट हैज़ ब्रॉट ए चेंज इन एटीट्यूड बिलीफ वैल्यूज आइडियोलॉजीज ऑफ द पीपल तो जो हमारे एटीट्यूड्स थे जो हमारे बिलीव थे जो हमारी वैल्यूज थी जो हमारी आइडियोलॉजीज थी वो सब के सब जो हैं चेंजेस होगी क्योंकि एजुकेशन विच इस स्प्रेडिंग इवन एमोंगस द फीमेल हैज़ क्रिएटेड एंड अरोज द इंडोलिस्टिक फैमिलीज फीलिंग्स तो इस तरह से जो फीमेल्स थी उनके अंदर जो है इस तरह से इंडुलिस्टिक फीलिंग पैदा होगी यानी कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट महसूस शुरू कर दिया उसने और जिससे क्या हुआ जो जॉइंट जा, फैमिली स्ट्रक्चर था वो बिगड़ गया दूसरा था इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन जो फैक्ट्री सिस्टम था प्रोडक्शन का न्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड न्यू स्टाइल ऑफ लाइफ हैव आल्सो इफेक्टेड द जॉइंट फैमिली जो फैक्ट्री सिस्टम था इससे भी जो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम पे इफेक्ट पड़ा इट इट हैज़ मेड यंग मैन एंड वुमेन लीव देयर जॉइंट फैमिली तो इससे क्या हुआ जो यंग मैन थे या वुमेन थी वो धीरे धीरे अपने जॉइंट फैमिली को छोड़ने लगे एंड टू फॉर अवे प्लेसेस इन सर्च ऑफ बैटर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट तो बैटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने अपने जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और वहाँ से निकल गए इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वह है इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन जैसे कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि जो फिनोमिना ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बिकम्स वाइड स्प्रेड कि जो अर्बनाइजेशन का फिनोमिना है वो बड़ी तेजी से फैला जैसे अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज सिडली इन द मिड ऑफ एटीन सेंचुरी अराउंड टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया अर्बन रेजिडेंस तो जब भारत आज़ाद हुआ या भारत जो जनसंख्या थी उस समय 10% परसेंट जनसंख्या थी पॉपुलेशन थी जो अर्बन रेजिडेंस है, जो शहरों में रहते थे लेकिन इनकी परसेंटेज जो है इंक्रीज होकर थर्टी सिक्स पॉइंट वन नाइन परसेंट हो, हो गई यानी कि 1991 में इनकी परसेंटेज बढ़ के अकॉर्डिंग टू सेंसेज जो है वो थर्टी बढ़ गई तो ऑन द बेस ऑफ द स्टडीज़ अगर हम स्टडीज़ को देखें तो इट कुड सेड दैट अरबन लिविंग वीकन द ज्वाइंट फैमिली पैटर्न तो उससे क्या हुआ जो हमारा ज्वाइंट फैमिली पैटर्न था वो खत्म हो गया एंड स्ट्रेंथन न्यूक्लियर फैमिली पैटर्न तो न्यूक्लियर फैमिली जो पैटर्न था उसको मजबूती मिली इसके अलावा जो चौथा पॉइंट था चेंज इन मैरिज सिस्टम अब आता है कि चेंज इन द एज एट मैरिज फ्रीडम ऑफ मेल सेलेक्शन एंड चेंज इन द एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज हैव ऑल्सो इफेक्ट द फैमिली सिस्टम तो फैमिली सिस्टम तब भी चेंज हुआ जब जो मैरिज एज को बढ़ा दिया गया इसके अलावा जो फ्रीडम दे दी गई मेल सिलेक्शन के लिए अपने मेड सिलेक्शन के लिए इसके अलावा जो एटीट्यूड था फैमिलीज़ मैरिज को लेके वो चेंज हुआ तो मॉडर्न जो यंग मैन और वुमेन थे नॉट ओनली मैरी एट लेट एज तो अब यंग जो मैन और वुमेन हैं वो लेट एज में मैरिज करते थे जिससे कि हुआ बट आल्सो टेक पर्सनल डिसीजन इन दिस मैटर तो वो अपने पर्सनल डिसीजन ख़ुद लेने शुरू हो गया जिससे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक हो गया पांचवा आ गया कि लेजिस्लेटिव मेजर्स यानी कि जो गवर्नमेंट ने कानून में प्रावधान रखे उससे भी जो हमारा फैमिली सिस्टम था वो ब्रेक हुआ जो प्रोविटेशन ऑफ अर्ली मैरिज़ जैसे जो अर्ली मैरिज को रोक दिया गया फिक्सिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज बाय चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 तो चाइल्ड जो मैरिज थी वो बढ़ा दी गई एटीन ईयर्स अबव कर दी गई तो वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंड एक्ट बना 1929 में इसके अलावा जो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये सारे जो हैं हैव लेंथन द पीरियड ऑफ एजुकेशन इनकी वजह से क्या हुआ एजुकेशन का पीरियड बढ़ गया है इन बच्चों का द फ्रीडम ऑफ मेट सिलेक्शन एंड मैरिज इन एनी कास्ट रिलीजन विदाउट द पेरेंट कंसेंट आफ्टर सर्टन एज परमिट थ्रू द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के मुताबिक जो हमने मेट सिलेक्शन की फ्रीडम दे दी इसके अलावा मैरिज किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन में हम कर सकते हैं तो ये हमें प्रावधान दे दिया ये ब्लो टू द पेरेंटल अथॉरिटी जिससे क्या हुआ जो पेरेंटल अथॉरिटी थी जो हमारे ग्रैंड जो पेरेंट्स थे जो लोग थे उनके डिसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी टू डिसाइड देयर चाइल्ड मैरिज कि अब वो बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो जो भी यंग पीपल थे वो खुद ही अपनी मैरिज जो है चाइल्ड जो है अपनी सिलेक्शन कर लेते थे तो इस तरह से जो कुछ एक्ट बने जिसके तहत भी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो ब्रेक हुआ या चेंज हुआ इसके अलावा चेंज इन द रूरल फैमिली सिस्टम अब रूरल फैमिली सिस्टम कैसे चेंज हुआ इट इज़ ट्रू दैट रूरल फैमिली सिस्टम इज़ अंडर गोइंग फास्ट चेंजेस ये मानते हैं कि जो हमारे गांव की जो फैमिली सिस्टम था वो बड़ी तेजी से चेंज हुआ सम ऑफ दीज चेंजेस हैव डिसग्रेटिंग इन्फ्लुएंस आल्सो इससे क्या हुआ जो फैमिलीज थी वो डिसइंटीग्रेट हुई यानी कि फैमिलीज ब्रेक हुई एंड आफ्टर बिकमिंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जब लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी फैमिलीज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो वुमेन डिमांड मोर फ्रीडम इन देयर फैमिली अफेयर्स तो जो वुमेन थे वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैमिली अफेयर्स में फ्रीडम दी जाए एंड दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी बॉडी डोमिनेस ओवर दैम तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है जहाँ घर का जो हेड पर्सन है जो वो उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखाए तो एजुकेशन इन द वे ब्रिंग चेंजेस इन रिलेशन रिलेशन इन द रूरल फैमिली सिस्टम तो इस तरह से जो एजुकेशन है उसने जो रूरल फैमिली सिस्टम है उनको चेंज कर दिया ऐसे ही आ गया चेंज इन अर्बन फैमिली सिस्टम तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मैनी ट्रेडिशनल स्किल्स क्राफ्ट हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद अर्बन लाइफ है डिक्लाइन बिकॉज ऑफ ऑन स्लॉट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले फैमिली जो था एक प्रोडक्टिव यूनिट था लेकिन आज ये कंजम्पशन यूनिट हो गया क्योंकि उस समय ट्रेडिशनल स्किल्स थे क्राफ्ट थे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज थी जिससे क्या कि हम प्रोडक्शन यूनिट जो थी जो फैमिलीज थी वो प्रोडक्शन यूनिट थी लेकिन न्यू फैक्ट्री सिस्टम आने की वजह से क्या हुआ फैमिली विच हैज़ प्रिंसिपल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बीन ट्रांसफर्ड इन टू कंजम्पन यूनिट तो वो जो प्रोडक्शन यूनिट थे फैमिलीज वो कंजम्पन यूनिट में चेंज हो गए एंड फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट हैज़ फ्रीड यंग अडल्ट फ्राम डायरेक्ट डिपेंडेंस अपॉन देयर फैमिलीज तो जो फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट था उससे क्या हुआ जो यंग एडल्ट थे वो डायरेक्ट डिपेंड हो गए फ्री uh, हो गए उनसे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से एंड दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द यंगस्टर हैज़ वीकन द अथॉरिटी ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो जो हेड पर्सन थे जो हेड थे फैमिली के अब उनका जो रोल था वो कम हो गया क्योंकि जो अर्निंग मेंबर थे यंग पीपल थे अब उनके जो अथॉरिटी थी उनसे बाहर हो गए इस तरह से जो अर्बन रेजिडेंस हैं हैज़ सीन्स टू बी इंट्रोड्यूज ए सर्टन मेजर्स ऑफ वेरिएशन इन द फैमिली पैटर्न इन अवर सोसाइटी तो इस तरह से अर्बन सिस्टम में भी जो है फैमिली सिस्टम किस तरह से चेंज हुआ तो वो हमने इसमें बताया तो ये सारा ऑल अबाउट दिस चैप्टर ये सारा इस यूनिट में था इस चैप्टर में था कि किस तरह से फैमिली किसको कहते हैं हम फैमिली की डेफ़िनेशन क्या है इसके अलावा जो फैमिली स्ट्रक्चर हैं या फैमिली की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं कितने फॉर्म्स की फैमिलीज़ होती हैं इसके अलावा कौन से सोशल प्रोसेस थे जिससे हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है वो चेंज हुआ जिसमें हमने इसमें बताया आपको कि किस तरह से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो किस तरह से चेंज हुआ या हमारा जो रूरल फैमिली सिस्टम था वो किस तरह से बदला इस तरह से जो अर्बन फैमिली सिस्टम था वो कैसे चेंज हुआ ये सारा इस यूनिट में था इसके अलावा agar if any student has any doubt or query please write write in the comment box of the video i will clarify his or her doubt separately in the comment box thank for listening my video and subscribe my youtube channel thank you